ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अब जैसे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी हाई है। यूट्यूब की जो ऐप के अंदर आपने जस्ट स्क्रॉल करते जाना है, जहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट लेना है बस आपने स्क्रॉल करते जाना है, करते जाना है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने फ़ोन के अंदर स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी कि आपने मल्टीपल जो के स्क्रीनशॉट लेने हैं, यानी कि ऊपर से लेके बॉटम तक जहाँ तक आपका कोई भी कंटेंट है वो विजिबल होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ़ोन पे किस तरह से स्क्रीनशॉट लेते हैं ये सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना कोई भी जो जिसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने यूट्यूब ओपन की हुई है, यहाँ पे मैं 3 टैप करूँगा, ठीक है। ये एक छोटी सी कमांड है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अगर आपने इनेबल नहीं की इनेबल कर सकते हैं, या फिर आप वॉल्यूम डाउन और पावर बटन के साथ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, आपको बॉटम में राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रॉल का, ठीक है। आपने स्क्रॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ये आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा था कि आपने अपने उसी YouTube की जो ऐप के अंदर आपने जस्ट स्क्रॉल करते जाना है, जहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट लेना है बस आपने स्क्रॉल करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोक लूँगा और इस पे मैंने डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैं डन पे टैप करूँगा प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको आपका जो स्क्रीनशॉट है वो विजिबल नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अब जैसे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी हाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको जितना भी स्क्रॉल करता हूँ, जहाँ तक मैंने स्क्रॉल किया था और जहाँ पे मैंने डन किया था उतना ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे मुझे इसने जो कैप्चर करके दे दिया है। और सिंपली मैंने इसको अगर एडिट करना चाहता हूँ तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ, एडिट के भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे जो इसका डिफ़ॉल्ट एडिटर है, कोई भी इसमें ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन का ही एडिटर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ब्लर का है, अगर आप किसी भी पार्ट को ब्लर करना चाह रहे हैं एक ब्लर का ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, फिल्टर लगाना है, एडजस्ट करना है, अगर क्रॉप करना है, इवन के जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसमें से आपने मज़ीद क्रॉपिंग करनी है तो आप इसकी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। और ये बेसिकली ओप्पो का फ़ोन है, आप ट्राई करें, अगर आपका भी फ़ोन में इस तरह की स्क्रॉल का आ रहा है बटन तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें, जिनका नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मैसेज करें, ताकि मैं उन मॉडल्स पे नई वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अपने मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट किस तरह से कैप्चर करते हैं, स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट, और वो लैपटॉप और पीसी के साथ था। अगर फ़ोन के अंदर आप किस तरह से कैप्चर करना चाह रहे हैं तो ये सारा मेथड उसके लिए फ़ोन के लिए है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।